तो दोस्तों अपने पीस को मैं पीस आर्ट ऐप के अंदर लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, पीस आर्ट ऐप का नाम तो जानते ही होंगे, अगर जो नहीं जानते तो पीस आर्ट प्ले स्टोर के ऊपर सर्च करना आ जाएगा। सबसे पहले मुझे इफेक्ट पे चलना है, ये वाले ऑप्शन पे चलना है, उसके बाद मुझे ये कॉलर्स वाले ऑप्शन पे चलना है। ठीक है, कॉलर्स वाले ऑप्शन पे चलने के बाद ये देख रहे चौथे नंबर पे इस वाले ऑप्शन पे चलना है। ठीक है, उसका हुई को है ना डिक्रीज कर लेना है। ठीक है, इतना रहने देना। उसके बाद मुझे ना इरेज पे चलना है। ठीक है, इरेज पे चलने के बाद मुझे है ना ये देख नीचे वाले ना इसको 93% रहने देना। उसके बाद ओपेसिटी को 100 ही रहने देना। ठीक है, उसके बाद साइज अपने ऊपर डिपेंड कर लेना। उसके बाद मुझे है ना अपने फेस के ऊपर से इस कलर को हटाना है। ठीक है, अच्छा से इरेज करना, उसके हेयर वगैरह देख रहे हैं उसको अच्छा से, जितना भी देखिए कहीं रहने नहीं पाए, जितना अच्छा कीजिएगा उतना अच्छा क्वालिटी आएगा आपके पीस में। ठीक है, चलिए अच्छे से कर लीजिए आप पहले। चलिए मैं इसको कर लेता हूँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि पीस से रिलेटेड मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो में लाते रहता हूँ। ठीक है, चलिए सपोर्ट कीजिए एक भाई छोटा भाई समझ के। चलिए मैं इसको पहले कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने फेस को कर लिया, अब मुझे हेयर को करना है। हेयर को करने के लिए सिंपली आप कहीं कहीं बारीक रह जाता है भैया किस तरह करें। ठीक है, ये हेयर को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, उसके लिए करना है क्या, ये इरेस्पेशल है। उसके बाद इसका साइज है ना, साइज को है ना 4% रहने देना है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे वाले देख रहे हैं इसको नीचे वाले को है ना ये इतना पर रहने देना। ठीक है, इसका ओपेसिटी को थोड़ा बहुत कम कर लेना है। उसके बाद मुझे करना क्या है आप देख सकते हैं, उसके बाद मेरे करना क्या है इसको है ना हल्का हल्का देख सकते हैं आपको है ना वो हेयर के ऊपर हल्का हल्का मारना है। ठीक है, हल्का हल्का वो जो देख रहे हैं हेयर वगैरह इस पर हल्का हल्का ना चलाना है। ठीक है, तो क्या होगा उससे क्या होगा कि अपना कलर जो है ना सही आएगा, वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको हल्का हल्का जहाँ जहाँ भी हेयर हो हाँ वहाँ हल्का हल्का ठीक है ब्रश आप यूज़ करते रहना। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी रह गया ना उसको हल्का हल्का देखिए आपके सामने जैसे सिंपल यहाँ पे है तो यहाँ पे हल्का हल्का ज़्यादा हो गया है, हल्का हल्का इसको चलाना है हेयर को बचा करके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने बाल को किस तरह हेयर को मैंने किस तरह इरेज किया, आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह अगर इरेज करेंगे तो वो फुल्ली अच्छा होगा आपके सामने है। देखिए कितना अच्छा मैंने इरेज किया है, हेयर को भी मैंने कितना अच्छा इरेज किया आप देख सकते हैं। अभी से ही लग रहा है कि मेरा पीस बन चुका है। चलिए अभी इसको है ना सिंपली दूसरे ऐप के अंदर ले चलना है। ठीक है, इसको डन कर लेना। ठीक, तो दोस्तों मैं अपने पीस को लाइट रूम ऐप के अंदर में ला ले के आ चुका हूँ। लाइट रूम ऐप का नाम जानते होंगे, प्ले स्टोर मिलता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे। सिंपली मुझे करना क्या है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए एक भाई समझ के सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले मुझे करना क्या है, कॉलर वाले ऑप्शन पर चलना है। ठीक है, उसके बाद मिक्स टूल पर चलना है, उसके बाद मुझे ये देख रहे हैं रेड वाले हुयो को है ना इनक्रीज़ कर लेना। ठीक है, इसको फुल्ली इनक्रीज़ कर लेना, फुल्ली नहीं ठीक है, इसको इंक्रीज़ कर लेना। उसके बाद मुझे है ना ये लेमिनेज देख रहे हैं, ये लेमिनेज देख रहे हैं, लेमिनेज को डिक्रीज़ कर लेना और क्या कहता है सेचुरेशन को भी डिक्रीज़ कर लेना। उसके बाद मुझे इस पर चलना हाँ, उसके बाद इसके लेमिनेज को इंक्रीज़ कर लेना है, उसके बाद मुझे है ना सेचुरेशन को थोड़ा डिक्रीज़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मुझे ना हुयो को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा पीस बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है। उसके बाद मुझे इस पर चलना, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, बस इतना कर देना है, इसको भी छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद मुझे करना है क्या, इस पर चलना है हाँ, इसको भी छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद इसको मेन ये चीज़ देखना है आपको, इसको है ना थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना है। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत डिक्रीज़ कर देना, इसको डिक्रीज़ कर देना। ठीक है, इसको थोड़ा सेचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना। ठीक है, उसके बाद मुझे इस पर चलना, इसका हुयो को इंक्रीज़ कर लेना। ठीक है, उसके बाद इसका लेमिनेज को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना। उसके बाद मुझे इस पर चलना, इसको भी इंक्रीज़ कर लेना। ठीक है, उसके बाद मुझे इसको ओके कर लेना। उसके बाद मुझे इस पर चलना है टेम्प का ना, टेम्प को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना है। उसके बाद मुझे टीन को भी थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मुझे है ना इस पर चलना है म्यूनिट पे, इसको भी थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना है। उसके बाद मुझे है ना इफेक्ट पे चलना है, इफेक्ट पे चलने के बाद मुझे
थोड़ा नीचे वाले इसको भी थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना है। उसके बाद डिटेल पे चलना है, डिटेल पे चलने के बाद शार्पिन को इंक्रीज़ कर लेना है, ठीक है, 38% रहने देना। उसके बाद मुझे कॉलर नॉइस इस पर चलना, इसको भी थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना, ठीक है, ताकि मेरे फोटो के अंदर क्वालिटी नज़र आए थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद मुझे करना क्या है, इस पर लाइट पे चलना है, लाइट पे चलने के बाद मुझे ना ब्लैक को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना, ठीक है, वाइट को थोड़ा डिक्रीज़ कर देना, इसको भी थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना है। हाँ, उसके बाद मुझे करना क्या है, ये हो चुका है।